हेलो एवरीवन आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल तो मैंने मसूर की दाल बनानी है मसाले वाली तो मैंने बेसिक से ये मसाले ले लिए हैं हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला ज़ीरा और ये नमक और ये लहसुन प्याज का पेस्ट जो मैंने पहले से पका रखा है मैं कच्चा इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं पहले से ही पका लेती हूँ गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसकी फ्लेम ऑन कर दी है उसमें ज़ीरा तड़का लिया है उसके बाद जब जीरा पक जाएगा तब मैंने प्याज डाल देना है अपने बेसिक से मसाले डाल देने हैं और मसाले को हल्का सा पानी डाल के चला लेना है और फिर उसमें नमक डाल दो नमक डालने के बाद मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है मसाला देखिए अच्छे से पक गया मसाला देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें तेल भी निकलने लगा है अब मैं इसमें अपनी दाल को ऐड कर दूँगी और दाल को मसाले में भी अच्छे से भून लूँगी देखिए दाल कितनी अच्छे से भून गई है और इसमें उसमें सारा पानी सूख गया है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी जिस हिसाब से मुझे दाल खानी है पतली या थोड़ी सी थे मुझे ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थक चाहिए तो मैंने उस हिसाब से पानी डाल लिया है आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल लें कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का ढक्कन बंद करना बहुत ज़रूरी है दाल देखिए अच्छे से पक गई है अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ चावल तो मैंने चावल को अच्छे से तीन चार पानी से धुल लिया है उसमें पानी का मेजरमेंट चेक कर रही हूँ मैं पानी का मेजरमेंट हमेशा ऐसे ही चेक करती हूँ ताकि चावल ना गीला हो ना टाइट हो टाइट चावल खाने में अच्छा नहीं लगता है तो मैंने अपनी उंगलियों की सहायता से इनको फटाफट पट से दाल चावल रेडी है